हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज मैथ में हमने आपको द्विघात बहुपद के बारे में बताया। उसमें हमने ये भी बताया था कि द्विघात बहुपद को हम कैसे हल करते हैं। उसमें हमने ये भी बताया था कि द्विघात बहुपद में जो उसके शून्यक है उनका हम योगफल कैसे निकालते हैं और उनका गुणनफल कैसे निकालते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में टर्म बताया था आपको कि जैसे मान लीजिए 2x² + 6x + 8 ये एक द्विघात बहुपद है, तो इस द्विघात बहुपद में हम इसके जो शून्यक होते हैं, शून्यक का मतलब ये होता है x की जो वैल्यू आएगी, जब हम इसको सॉल्व करें तो x के जो मान आएंगे वह उसके शून्यक हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ x की घात 2 है, इसका मतलब होगा इसके दो हल हो जाएंगे, यानी इसके दो शून्यक होंगे। तो उसके लिए हमने बताया था कि हम शून्यकों का योगफल कैसे निकालते हैं और हम शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, ये हमने आपको बताया था। अब जैसे ये सवाल आ गया 2x² + 6x + 8, अब इसमें बच्चों हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम a की वैल्यू निकालेंगे, तो x स्क्वायर के बगल में जो संख्या लिखी होती है वो a होती है। जैसे यहाँ x स्क्वायर के बगल में 2 लिखा है, तो बच्चों a का मान 2 हो गया, a का मान कितना हो गया 2। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें b की वैल्यू चाहिए, तो देखिए यहाँ x के बगल में 6 लिखा हुआ है, तो बच्चों b का मान यहाँ पर 6 हो गया। इसी तरह से यहाँ देखिए सी का मान यहाँ पर 8 हो गया, ये पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको। अब देखिए, जैसे अब इसमें हमें शून्यकों का योगफल चाहिए, हम यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल। ये देखिए लिखेंगे शून्यकों का योगफल, तो जब शून्यकों का योगफल लिखेंगे तो हो जाएगा -b/a। शून्यकों का योगफल का सूत्र बताया गया था -b/a। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर -b का मान देखिए 6 है और a का मान देखिए 2 है, ये मान इसमें हम रख देंगे, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ पे काट देंगे, 2 × 3 = 6, इसका हो गया -3। तो शून्यकों का योगफल जो आया वो -3 आ गया यहाँ पर। अब हमें चाहिए शून्यकों का गुणनफल, तो देखिए शून्यकों का जब गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल ये हो जाता है आपका c/a। अब इसमें मान रख देंगे, तो देखो यहाँ सी का मान यहाँ पर 8 आया है, तो 8/a और एक का मान 2 आया, इसको बाद में ये चार आया। देखिए बच्चों, हमने इसमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दोनों हमने इसमें निकाल दिए। अब देखिए यहाँ पर अब जो सवाल परीक्षा में पूछा जाता है वो इस तरह से आता है, क्वेश्चन आता है कि कोई भी द्विघात बहुपद दे दिया, जैसे मान लीजिए दे दिया गया x² + 5x + 6 के शून्य ज्ञात कीजिए, के शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्यकों के योग, शून्यकों के योग और गुणन से, और गुणन सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। ये अब ऐसा सवाल परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अब जब ऐसा सवाल पूछा जाता है कि हम देखो बच्चों इसको हम कैसे हल करेंगे, यहाँ देखिए, तो पहली चीज हम इसके शून्य निकाल रहे हैं, बहुत आसान है, आप पढ़ भी चुके हो, कक्षा 9 में पढ़ चुके हो। शून्य का मतलब हो गया इसके गुणनखंड करने, जैसे यहाँ लिखा हुआ है x² + 5x + 6, तो इसके हमें शून्यक निकालना है, इसका मतलब हमें इसके गुणनखंड करना होगा। देखिए 5x + 6, अब गुणनखंड करना है तो आपको पता है गुणनखंड करना आता भी है आपको। देखिए 6 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि उनका योगफल 5 हो जाए और गुणा 6 आ जाए, तो देखिए इसमें हो जाएगा 2 × 3, 2 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 में हम 3 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे
प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ x हो गया प्लस 6, ये देखिए। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, देखिए 2 का गुणा x में किया तो 2x हो गया, 3 का गुणा हमने x में किया तो 3x हो गया प्लस 6 हो गया। अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे, देखिए इसमें देखिए कॉमन x मिल रहा है, x स्क्वायर और 2x में कॉमन हमारा x है, हमने यहाँ x कॉमन ले लिया, x स्क्वायर में x का बाहर दे दिया तो x आ जाएगा प्लस, ये देखिए x बाहर निकल आया था, 2 हो जाएगा। अब इसी तरह से प्लस 3 कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो x प्लस 3 का बाहर 6 में गया, 2 आ गया। गुणनखंड करना सबको आता है। अब देखिए दोनों में कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, x प्लस 2, तो देखिए हमने यहाँ x प्लस 2 कॉमन ले लिया, जब हम x प्लस 2 कॉमन लेंगे यहाँ x बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। अब हमें इसके शून्यक निकाल देंगे, तो शून्यक के लिए क्या करेंगे, x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे, x बराबर माइनस 2, एक शून्यक हो गया माइनस 2, और x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे, x बराबर माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर इसमें x के दो मान आ गए, एक हो गया माइनस 2 आ गया और एक आ गया माइनस 3, तो इसके शून्यक माइनस 2 और माइनस 3 हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे क्या करना, देखिए यहाँ आगे ये करना है इसमें कि ये जो शून्यक आए हैं इनका योगफल और गुणनफल को हमें प्रॉपर्टी से देखना है, जो हमने प्रॉपर्टी बताई है उसमें ये सत्य बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, देखिए उसके क्या, उसके लिए क्या करें, देखिए जैसे यहाँ पर इसके दो शून्यक माइनस 2 और माइनस 3 आए, इसके जो शून्यक आए हैं वो आए हैं माइनस 2 और माइनस 3, ये आए शून्यक, ठीक है ना। अब हम इसमें इनके शून्यंकों का योगफल निकालें, शून्यंकों का योगफल हम इनको निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो दो शून्यक आए हैं इनको जोड़ना है, ये जो दो शून्यक आए हैं इनको हम जोड़ देंगे तो इसका हमें योगफल मालूम हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके दो शून्य कौन कौन से हैं, एक है माइनस 2 और एक है माइनस 3, ये तो माइनस 2 में माइनस 3 जोड़ना है, ये हो जाएगा आपका माइनस 2 माइनस 3, देखिए माइनस 5 आया माइनस 5। अब हम देखिए शून्यंकों का गुणनफल निकालें, शून्यंकों का गुणनफल निकालें, तो जब हम शून्यंकों का गुणनफल निकालेंगे तो देखिए ये जो दो शून्यक आए हैं जो आपने हल किया है और इसके जो दो शून्यक आए हैं कौन कौन से, माइनस 2 और माइनस 3, इन दोनों का हमें गुणा करना है, हो जाएगा माइनस 2 गुणे माइनस 3, तो अब देखिए माइनस गुणे माइनस प्लस हो गया 3, 6 हो गया, इसका जो गुणनफल हो गया वो 6 हो गया। अब हमें ये देखना है कि जो हमने प्रॉपर्टी बताई थी उस पर ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, जैसे प्रॉपर्टी में हमने ए बी सी के मान निकाले थे, तो इसके द्वारा जब हम ए बी सी के मान निकालेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर के बगल में कोई संख्या नहीं लिखी है, तो जब कोई संख्या नहीं लिखी तो एक माना जा रहा है, ए का मान देखो यहाँ 1 हो गया, ठीक है। देखिए एक्स के बगल में बी लिखा है यानी 5 लिखा, तो ये बी का मान है, तो बी का मान हमारा 5 हो गया और जो सी का मान है वो हमारा 6 हो गया। अब ने ए बी सी निकाल दिया, अब देखिए शून्यंकों का योगफल निकालें, यहाँ पर अपने सूत्र के द्वारा निकालते हैं जो हमने सूत्र बताया है, तो देखिए शून्यंकों का जो योगफल आएगा, शून्यंकों का जो योगफल आएगा हो जाएगा माइनस बी बटे ए, ये हमने सूत्र बताया, बी का मान कितना आ गया माइनस 5 और ए का मान कितना, 1 माइनस 5, ये देखिए यहाँ भी शून्यकों के ऊपर माइनस 5 आ रहा है और यहाँ पर भी यदि आपने सूत्र से निकाला है तो भी देखिए शून्यकों के ऊपर माइनस 5 आ रहा है, देखिए दोनों टैली हो रही है, सत्यता की जांच हो गई। अब यदि हमें शून्यकों का गुणनफल चाहिए इसमें, देखिए जब शून्यकों का गुणनफल लेना चाहते हैं तो हमने क्या सूत्र बताया, शून्यकों के गुणनफल से ये बताया गया आपको सी बटे, ये बताया गया सी बटे ए, तो देखिए सी का मान यहाँ कितना है, सी का मान 6 है, ए का मान 1 है, ये 6 हो गया, देखिए शून्यकों का गुणनफल कितना आया, 6 आया था, यहाँ शून्यकों का गुणनफल कितना आया, 6 आया, शून्यकों का योगफल यहाँ कितना आया माइनस 5 आया, यहाँ शून्यकों का योगफल कितना आया माइनस 5 हो गया, तो इस तरह से इसकी सत्यता की जाँच हो गई। यही करना था कि सवाल में आपको पहले ही बताना था इसके शून्यक क्या होंगे, तो शून्य के लिए इसे आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है ये द्विघात बहुपद है, इसमें x के दो मान आ जाएंगे,
ये एक्स की वैल्यू हो गई। अब इसके जो दो शून्य होंगे उनको हमें जोड़ना है, तो शून्यकों का योगफल हो जाएगा। इसके जो दो शून्य आए हैं उनका गुणा करना है, तो ये शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा। फिर जो हमने प्रॉपर्टी बताई है, प्रॉपर्टी के द्वारा आपको चेक करना है कि इसमें ये जो हम निकाल रहे हैं शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, वो इस प्रॉपर्टी पे सही है कि नहीं है। तो देखिए हमने प्रॉपर्टी लगाना बताया था, उस आधार पे देखा जाए तो देखिए शून्यकों का गुणनफल यहाँ -5 आ रहा है और हमने जो जोड़ा था वहाँ भी -5 आ रहा है। शून्यकों का गुणनफल प्रॉपर्टी में 6 आ रहा है और हमने जो गुणा किया था वहाँ भी 6 आ रहा है। तो इस तरह का एक सवाल जो है आता है जिसमें आपको शून्यकों सवाल को चेक करना पड़ेगा और उसे बताना पड़ेगा इसके शून्य क्या होंगे, और इसके बाद ये बताना पड़ेगा कि जो प्रॉपर्टी हमने बताया उस प्रॉपर्टी में सही है कि नहीं है। इस तरह से आपको चेक करना होगा। तो आई होप कि मुझे आपको समझ में आया होगा और इस तरह के सवाल आप कर सकते हैं। अब देखिए इसी तरह के कुछ सवाल आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उनको आपको इसी तरह चेक करना है और वो सवाल मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए हाँ देखिए ये देखिए होमवर्क में देख लीजिए, ये पहला है इसमें x² + 7x + 10। ये देखिए इस सवाल को उसी तरह से चेक करना जैसे बताया गया। दूसरा जो सवाल है आपका x² + 32x + 7 ये। तीसरा है x² + 6x + 9 ये। चौथा है 2x² ये है, और पांचवा सवाल है ये जो चार सवाल आपको दिए गए हैं होमवर्क में, इसमें सारे में यही बुक करना है, इसमें ये निकालना है कि शून्य क्या आएंगे, आपको हल कर लेना है, उससे आपको शून्यक मालूम हो जाएंगे। और जैसे ही आपको शून्यक पता होंगे तो उसके बाद आपको प्रॉपर्टी लगाना है और उस प्रॉपर्टी से आपको देखना चाहिए। अब आगे देखिए हम द्विघात बहुपद की बात कर चुके हैं, अब हम आगे आपको त्रिघात बहुपद बताने जा रहे हैं। तो त्रिघात बहुपद में देख लीजिए क्या है, हाँ देखो त्रिघात बहुपद अधिकतम घात 3 हो, जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखिए जैसे ax³ + bx² + cx + d इस रूप का जो भी बहुपद होता है वो त्रिघात बहुपद कहता है। किस तरह का बहुपद, ax³ + bx² + cx + d इस तरह का जो भी बहुपद होगा वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। आप देखिए यदि हम इसके शून्य त्रिघात बहुपद के शून्य, इसके 3 शून्य होंगे, किसी बहुपद की कितनी जो सबसे बड़ी घात होगी उसके उतने ही शून्य होंगे, इसकी सबसे बड़ी घात 3 है अतः इसके 3 शून्य होंगे, और वो शून्य हमने अल्फा मान लिया, बीटा मान लिया और गामा मान लिया। तो देखिए आज हम आपको फार्मूला बता रहे हैं, तो इनका योगफल क्या हो जाएगा, त्रिघात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये बराबर हो जाता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी तीनों का योगफल हो गया -b/a। अब यदि हम दो दो को एक साथ ले लें, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा ये हो जाता है आपका c/a, और इसके बाद हम तीनों का गुणनफल ले लें ये हो जाता है -b/a। तो ये तीनों सूत्र आपको तैयार कर लें, पीछे जो होमवर्क में दिया गया है उसको आपको हल करना। अब इसके आगे का यदि आप सूत्र तैयार करें तो इसके आगे का कल बताया जाए। थैंक यू।